अकेला नहीं मरूंगा, स्वरा को साथ में लेके जाऊं। मेरी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। हमने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया है और हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। पागल हो गया, अपनी भी जान देगा क्या? ऊपर आ, क्या कर रहा था? स्वरा मिली? कुछ पता चला स्वरा का? नहीं, हमें स्वरा तो नहीं मिली।
पर यह मिला है, क्या आप इसे पहचानते हैं? इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? वो रजत मिला आपको? नहीं, दोनों की तलाश जारी है, पर नदी का बहाव इतना तेज है कि हमें नहीं लगता कि वो दोनों भी मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता हूँ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। संस्कार। परिणीता कट्ठे गए। चाची वो मंदिर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो रजत आप लोगों का असली बेटा नहीं है? इंस्पेक्टर जी। मैम बताइए। हम दुर्गा प्रसाद महेश्वरी की बड़ी बहू है, परिणीता महेश्वरी। ठीक है सर। जब ये सब हो रहा था तब हमने इन दोनों से बात की थी और इन्होंने हमें बताया था कि ये रजत के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही है, इनका किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। और जब इन्हें पता चला कि रजत ने हमारा किडनैप कर लिया है तो इन दोनों ने मिलकर स्वरा और संस्कार के साथ हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए हम इन दोनों पर कोई केस नहीं करना चाहते। देखो सारी गलती उस रजत की थी और वो स्वरा को लेकर नदी में गिर गया और अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ मुझे पता है इंस्पेक्टर जी, हमारा परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और इस बीच हम नहीं चाहते कि हमारी किडनैपिंग की पूछताछ को लेकर हम उन्हें और परेशान करें, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज ये पूछताछ यहीं पे खत्म कर दीजिए और इन दोनों को माफ कर दीजिए। हम यहाँ पे तुम दोनों को इसलिए बचाने आए ताकि तुम पुलिस के सामने हमारा नाम ना लो, समझे? अब आगे कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इन पर कोई चार्जेस नहीं लगाता हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ इस बार तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार से कोई भी ऐसी गलती की तो लंबे समय के लिए तुम दोनों को जेल पे डाल दूंगा और अगर मुझे कोई भी खबर मिलती है उनके बारे में
तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ना कुछ पता चला स्वरा कटे किस हाल में है। चाची आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा अभी। अनुगुणा का फोन आया था कि मिस्टर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। काफी सा उन्हें बड़ी ले गई है अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आप दुर्गा प्रसाद जी मैं क्या बोलूंगा माँ और मिस्टी को। रागिनी तुम पापा के साथ बाड़ी जाओ, माँ के साथ रहो। इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे के सहारे की बहुत जरूरत है। अगर भगवान है और वो सच्चे के साथ होता है तो अपनी स्वरा जरूर वापिस आएगी। दुर्गा प्रसाद जी मेरी स्वरा बाबा, अब अगर आप दोनों टूट जाएंगे तो बाकी घर वालों को कौन संभालेगा? प्लीज हिम्मत मत हारी, प्लीज। मेरी बेटी, आखिर तुम बाड़ी जाओ, मैं आता। इस वक्त हमें सबको संभालना है, तुम हिम्मत मत हारना। हम जानते हैं कि स्वरा वापस आएगी। हमारा दिल कहता है कि वो जहां भी है सही सलामत है। आपने सही कहा पापा जी, स्वरा वापस आएगी। हमारे लिए वापस आना होगा। चल बेटा जाओ, जाते जाते। परिणीता बहुत देर कर दी तुमने। आदर जी को मैं तुझे फटाफट पहले प्रसाद सब में बांटते अके पता जी खा के काना जी का आशीर्वाद मिल जाए और हमारी स्वरा जल्दी से मिल जाए। जी हेलो। हाँ जी क्या हुआ बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि संस्कार की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे लेकर घर वापस आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सुजाता। आदर्श आदर्श स्वरा ठीक होगी ना? उसकी हालत कुछ आप चिंता मत करिए, ऐसा मत सोचिए। शर्मिष्ठा थारे को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। बैठ जा, शांति से बैठ जा। अरे वालों आते होंगे, मन ने पता होता ना कि तू
तू अठे आकर इतनी बेचैन हो जाएगी, तुम वापस ही ना आती, वही माहेश्वरों के घर पे वही रह जाते हम। बैठ बैठ, कुछ नहीं होगा ना शोना को, रागिनी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उस फराह को लेकर आएगी साथ में, पहुंच जाएगी ना, बोलिए ना माँ, कुछ कुछ ना होगा कुछ। रागिनी, स्वरा कहाँ है? शेखर, रागिनी, स्वरा कहाँ है? रागिनी, रागिनी, वैसे हिम्मत नहीं हार सकती। सच बताना है माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या ज्यादा तबीयत खराब है इसकी? ना शेखर, वो डॉक्टर ने कहा है कि या का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शेखर, क्या पूछ रही हूँ मैं और तुम क्या बोल रहे हो? ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना। स्वरा कहाँ है ये तो बताओ मुझे। मिष्टी, मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रहे हो शेखर? शोना ने यहाँ आने से मना कर दिया, वो सीधे अपने ससुराल चली गई। वो नहीं आएगी मिष्टी। क्यों नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? वो जाओ उस जाकर लेकर। उस गुंडे ने उसको पकड़ लिया है, जाओ उसे जाकर लेकर आओ ना। माँ, रजत स्वरा को उस नदी पर लेकर गया है। संस्कार वहां गया स्वरा को बचाने के लिए। हाँ तो संस्कार ने रजत पर गोली चलाई और वो उस नदी में गिर गया और क्या? और क्या रागिनी, क्या हुआ उसके बाद? और वो स्वरा को लेकर उस नदी में डूब गया। पुलिस को स्वरा का पेंडेंट मिला पर उसकी बॉडी नहीं मिली। माँ, हमारा कांड ये हो गया। हमारे हमारे पोते, हमारे स्वरा, शर्म नहीं आती? कैसी बात कर रही है? बहन का बॉडी बोलते क्या? वो मीट शोना है, वो तेरी बहन है, वो नाम उसका। हमारे कहने का, मत आ मेरे पास मुझ। क्या शेखर, क्या सुनूं मैं? हमारा काटू श्याम जी, हो गया क्या हो गया हमारे परिवार के साथ?
तुम्हारे परिवार के साथ क्यों हुआ? बच्चा ही जड़ है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वहां की जड़ या बच्चा ही है। शोना, मनहूस है या बच्चा, एकदम मनहूस। अरे पैदा होने से पहले ही हमारी पोती को खा गया। हमारा काफी शक्ति क्या हो गया हमारे परिवार के साथ? सोना।